हेलो नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिष आचार्य सीमा गुप्ता और आज मैं बात करने वाली हूँ 2020 के बारे में। जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2020 क्या क्या मुसीबतें लेके आने वाला है सृष्टि के लिए, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके बारे में, नंबर एक के बारे में, यानी जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है और 28 तारीख को हुआ है, तो उनका बनता है नंबर एक। नंबर एक वालों के लिए क्या आने वाला है 2020, क्या लेके आने वाला है, क्योंकि 2020 में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दो बार दो दो आ रहा है, यानी दो चंद्रमा है और एक चंद्रमा तो लोगों से संभाले नहीं संभलता है, क्योंकि अगर बिगड़ जाए तो डिप्रेशन, टेंशन, माता को कष्ट और मानसिक बीमारियां दे देता है। तो ये दो चंद्रमा है, ये कैसे संभलेंगे, और अगर हम 2+2 करेंगे तो आएगा 4, यानी राहु का नंबर। तो ये राहु क्या लेके आने वाला है नंबर एक वालों के लिए, वो मैं आपको बता दूं कि इस बार नंबर एक वालों के लिए ये साल अच्छा है, ये साल उनके व्यवसाय के लिए अच्छा है, उनके जो मान और प्रतिष्ठा है वो काफ़ी बढ़ेगी, काफ़ी उच्च अधिकारियों से उनके अच्छे संबंध बनेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उनको अपने खान पान, अपने व्यवहार के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने ऊंचाइयों को देखते हुए थोड़े से बहक जाएं, आपकी जो वाणी है वो आपके नियंत्रण में ना रहे और लोगों का आप अपमान कर दे, तो ये आपको भुगतान करना पड़ सकता है। आपको आपकी माता का ध्यान रखना है, सेहत का, कि आपकी माता को कहीं उनके शरीर में दर्द ना हो, कहीं भ्रम की बीमारियां, काफ़ी टाइम से अगर आपकी माता जी डिप्रेशन में चल रही हैं तो उनको डिप्रेशन से बचाएं, उनका उनकी जो है सेहत का ध्यान रखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष को जरूर दूर करिए, क्योंकि वास्तु दोष के कारण काफ़ी आपका जो मानसिक सुख है वो आपका छिन सकता है। साल अगर मैं देखूँ तो मिला जुला कर ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन इस मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको सही करनी पड़ेंगी। जैसे माता जी की सेहत है, अगर आपके घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। ये साल और आपका अच्छा बना रहे इसके लिए आपको हर बुधवार अगर हो सके तो आप गाय को हरा चारा खिलाइए। हर बुधवार अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो मंथ में एक बार जरूर करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, हरी मूंग खिलाइए। अगर ये आप करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ शुभता लेकर आएगा। इस शुभता को और बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर के साउथ वेस्ट में आपको एक कांच की बॉटल में पारा भर के रखना है। कांच की बॉटल, एक आपको स्मॉल सी बॉटल ले लेनी है, उसके अंदर आप थोड़ा सा पारा डालकर आप उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर पे रख सकते हैं। ये आपके घर में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, इन समस्याओं को दूर करेगा और आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको दूर करेगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ये साल राहु का है इसलिए आप कम से कम भूरे रंग के और काले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम करें, जितना हो सके आप लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आप इन रंगों का प्रयोग करेंगे तो ये जीवन में आपकी पॉजिटिविटी देगा और जो आने वाला साल है वो और आपके लिए अच्छा बना रहेगा। वाणी को थोड़ा मीठा रखेंगे तो आपके जितने भी अधूरे काम जो 2019 में नहीं हो पाए हैं वो 2020 में जरूर होंगे, लेकिन वाणी को आपको मीठा रखना है, नियंत्रित रखना है, और आपसे जितने भी बड़े लोग होंगे, जो उच्च अधिकारी होंगे, उनका थोड़ा सम्मान करना है। और ये साल अच्छा आपका बना रहे इसके लिए आपको किसकी पूजा करनी है, आपको पूजा करनी है सूर्य भगवान की। डेली सुबह उठकर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, उनका जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए 27 बार। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत बेहतर चीज़ें लेके आएगा। ये साल आपके जीवन में और उन्नति लेके आए और अच्छा आप काम करें, जैसे आपका नाम रोशन हो। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, नमस्कार।